अच्छा देखो, वर्तमान आम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी गोटे एग्जांपल देखा, सो दैट आम जो जिनसटा कहले इलेक्ट्रॉन रो बोमबार्डमेंट जोगु आमर कौन गोटे पॉजिटिव आयन तैयारी हुए, तो सेटा केमिति मास दिए ता विषय गोटे एग्जांपल ने आगे पाठटा क्लियर हम है। तो एग्जांपलटा एमिति नौ, देख गोटे कंपाउंड नहीं नियोपेंटेन ले, नियोपेंटेन माने केतरा कार्बन थिबो पांचटा ले, पांचटा कार्बन ओके, पांचटा कार्बन। वर्तमान देख एथिरे मु कौन देछि गोटे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एमिति वेरे लेखिली है। तो इलेक्ट्रॉनटा दबा फल एथिरु देख यार मॉलिकुलर फॉर्मूलाटा कौन अच्छे C5H12 यहाँ हूँ आमर नियोपेंटेन, कौन नियोपेंटेन, नियोपेंटेन रे इलेक्ट्रॉनटा दे थिबा जोगु से कोठी की जाऊँ ना देख एमती गोटे दब C5H12 ये कौ चार्ज र्लस कही जे ए इलेक्ट्रॉनटा आसी गोटे इलेक्ट्रॉन ए सिस्टम रु नहीं कि पल है। तो देख यार मॉलिक्युलर वेट केते आमे पाउथिले 72, यार जेतबले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नियागला सेतबले भी एम बाय ई रेशियोटा तमर आसिला 72, तमाने यार मॉलिक्युलर मासटा डिटेक्ट हो पारा ना ना है, किंतु एटा हला किंतु रो काम ई जेतबले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आसे एटा गोटे ग्राफ, एटा गोटे ग्राफ कौन ना एपटे थाए तुमर इंटेंसिटी ला, तापरे थाए तापरे एपटे को एक्सिस वाई एक्सिस, एपटे गोटे एक्स एक्सिस थिबो ला, तुमर एक्स एक्सिस पटरे ये पटटा आमर विशेष दरकार हुए ना, बट एबे पई टिके दरकार हबो स्टार्टिंग रे बुझिया पई। तापरे कौन हबो ना ए पटे सबुतक तुमको एम बाय ई बा एम बाय जेड रो वैल्यू थिबो ठीक अच्छे। सपोज एटा को मु 0 नेली तो ए पटे एमती थिबो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मु 70 जाए रखी कौन पे ना मोर 72 अच्छे पिकटा, तो ये पखापाखि कौटी गोटे आस तो मास रो पिकटा ये 72 रे गोटे आमती पिकटे होगा। क्वेश्चन है यहाँ गोटे पिक दे केवल ये गोटे पिक थिले मु कहि थांते हाँ 72 मोर काम सरीगला यार मासटा 72 पाइगली हला, किंतु पाठ सेमिति जाए नी कि इंस्ट्रूमेंट सेमिति जाए नी कि एटा कंपाउंडटा एतिकी केवल गोटे पिक दिए ना, तो सेठु केमिति जानिबो को पिक आसिबो किए किए काहाकु कनसीडर कले तमे मॉलिक्युलर मासटा एक्जाक्टली पाई पारिबो हला। तो देख एठी जो पिकटा आसिला दे जो इलेक्ट्रॉनटा आम दे कौन नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रॉनटा केपर के नुह आपर ए रिएक्शनटा लो टेम्परेचर कौन हो लो टेम्परेचर रे तुम्हें एनर्जी केमती दब से इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी, तो तुमको टेम्परेचरटा हाई रखा पड़ो हाई टेम्परेचर रे एटा गोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलटा कौन हो जा भांगी जा ना नहीं। जदि से भांगु केवल मोर कौन ये 72 रे पिक आस कौन कौन पिक आसे से देख ताहले आमे जानी पारिबा जे को आयन को कौन कहंती को पिक दब केमिति भावरे दब। देख यार एई कंपाउंड रो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नेले एटा गोटे पिक आसुछि नंबर 1 हला,
आउ गोटे एम बाय ई रेशियो अच्छी जोटा कि अच्छी 57 रे, एटा नंबर टू पिक कहली। तो 57 टा एठी कोठी गोटे हिथिबो पिक टे हन ना ला। देखो यार हाइट के बेबी समान नथिबे कि गोटे छोट थिबो, एटा बेसी बड़ मु कर देली, गोटे अधिक बड़ थिले गोटे अधिक छोट थिबो, ठीक अच्छे ला। केबे भी हाइट समान नथिबे। अच्छा मुँ कहिबी कोटा बड़ हम केमिति हम आग को गोटी गोटी बीट कर आसबी, एबे पई खाली ग्राफ्टा ड्र करुची। आ गोटे पिक आस 41 रे, ठीक अच्छे ले। आ गोटे पिक आस 38.5 हम पकेदेली। आ गोटे आसी 15.7 मान 16 पाखा है। तो तुमर ये केतटा पिक आस देख कौन कौन भैल्यू कहली, गोटे है 72 एक, तापर गोटे कहली 57 दुई, तापर गोटे कहली 41.3 रे है। आ गोटे के आसी 38.5 रे है। आ गोटे पिक आसी 15.7 रे। केतटा पिक अच्छे थे पांच। सीए एक्सपेरिमेंट रु देखिले एटी 72 रे गोटे पिक अच्छे, आउ गोटे कौटी अच्छे 57 रे। से देखिले जदि इंटेंसिटी एक्सिस रे कंपेयर कले से पाइले जे ए पिकटा जो कौटा 57 रे थिबा पिकटा ला, 57 रे थिबा पिकटा मोस्ट इंटेंस पिक अच्छे। मोस्ट इंटेंस कहले तार हाइटा मैक्सिमम अच्छी है, यहाँ अच्छी मोस्ट इंटेंस पिक। कौन अच्छी मोस्ट इंटेंस पिक बुझे। तो बर्तमान कथा है आमर मॉलिक्यूलर वेट अच्छी 72। 72 रे पिक अच्छे यहाँ मुझे मानिगली। 57 क्वेश्चन है जे 57 रे कौठ पिक आसला, जदि आसला एटा कौ स्पेसीस, यही स्पेसीस तो मास 72, 57 कौ स्पेसीस मास जोटा कि एथिरु मिल पार ताहले जाई कि तो मास रे आसिबो ना, नहले मने मने तो मास रे शून्य रु किछ कंपाउंड आसिबनि भारी ना। तुम्हें जहाँ दे तुम्हें कौन दे मास स्पेक्ट्रोमीटर को नियोपेंट, तो से देखेबा कथा 72 गोटे, तो से एते गुड़े देखोची 1 2 3 4 चारटा एक्स्ट्रा पिक देखोची, पुणी हबा कथा 72 रो इंटेंसिटी हाईएस्ट होउची कार हाईएस्ट यार। तो यही जो जिनसटा अच्छी देख 1 2 3 4 5 पांचटा जिनस जिनिष यक जिन जो पार्ट गुड़ाक अच्छी युड़ाक कंपाउंडटा को भांगे ही मिल पार। तुमको गोटे सिंपल एग्जांपल दौची है, देख तुम पाखे अच्छी 72 गोटे वैल्यू, ठीक अच्छे 72 नेक्स्ट वैल्यूटा तुम अच्छी 57 रे हना ना, तो मुझे 72 रु 57 माइनस करदे केते होची देख केते होची 12 रु 7 गले 5 एठे अच्छे 6 6 रु 5 गले 1 ता माने कौन कमी 15 टा मास यूनिट कमी। देख तुम पाखे थिला C5H12 तुम्हें एथिरु देखिल CH3 टा माइनस कल, CH3 माइनस कले कौन होची ना एटा थिला 72, CH3 टा निजे होची 15 ला। तो देख लो एथिरु गले कौन है जीवो वर्तमान तमरो रहिबो C4H9 होना नहीं, C4H9 माने चारिटा कार्बन गोटे कार्बो काटायन हेले है जीवो, गोटे अल्किल काटायन हेले है जीवो ला। ए थे कौ चार्ज थी गोटे प्लस
स्ट्रक्चर रे भी देखे दूछ। तो एटार मास केते आसिला रे 57। देखिलो ये देई पारुची ना नहीं 57 वाला मास, बुझी पारल 57 कोठु आसिला ना। जेतिके मॉलिक्यूलर मास थिला सही थिरो जदि आमे ओटे CH3 भांगी की काढ़ी पारुचे ताहले मोते कौन मिलुची 57 मासटा मिलुची। क्लियर ला? अच्छा वर्तमान कथा हला ये जो 57 टा काहीं की मोस्ट इंटेंस पिक है सेटा को बुझिबा को हेले तम आउ टिके बाट को जाऊ। देखो वर्तमान 57 रु 41 भी गोटे पिक देखो ये गोटे आ गोटे पिक अच्छी कौन 41 ला 41 टा कोठु आस्ते 41 टा कोठु आसी ठीक अच्छे। देखिबा गोटे जिनस देखिल तमें ए 72 माने C5H12 रु 41 टा माइनस कर कौन तुमर थिबो ना 1 एठी रहिबो 3 31 ला 31 माने देखिल गोटे इथेन माइनस हो पार हम। अच्छा जीबा जीबा ठीक रे धीरे सुस्ते जीब। एठु पाइच C4H9 एथिरु देखिबा गोटे CH3 माइनस कल CH3 न करी CH4 गोटे कर। देख यही भाया हिं तुमको चिंता करार अच्छे केते माइनस कर CH3 माइनस करते मोर केते माइनस होता 15 15 हेले मत मिली था 42 कि मोर दरकार के 41 तो ये केते माइनस करी 16 कौटू मिल CH4 रु कार्बनटा 12 एटा 4 तो यहाँ माइनस हेले मो पाखे रोच देख C3H5 ठीक रे शुणु था एटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल CH4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल ठीक अच्छे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल रे कौनसी चार्ज नहीं जेतेबले एठी प्लस थिला सेथरो न्यूट्रल टा माइनस करिची ताहले जहाँ बळिबो बळिबो जोटा सेथिरे ही प्लस टा रहिजिवो कमाई CH4 टा न्यूट्रल मॉलिक्यूल टा माइनस होगला होना नहीं। तो देखो आमर आसीथिला C4H9 जोगु 57 मास C5H12 प्लस जोगु 72 मास एबे C3H5 जोगु आसीबो 41 मास। देखो केतटा एक्सप्लेन कली गोटे दीटा तीनटा एक्सप्लेन कर दे। क्लियर? अच्छा देख लो ये जो कंपाउंडा C3H5 इटा तुमको लगुच बेसीडरी स्टाबुल होकर रहीपर। देख C3H7 थाए होना ना हाँ। अच्छा बाकी बर्तमान मत आउ टे जिनस मुझे देख तुम पाखे अच्छी C5H12 प्लस हना ना C5H12 प्लस ये जो C5H12 प्लस अच्छी यही देख ल मुझे माइनस करी C2H5 प्लस इथाइल कार्बोकाटायन तो C2 गले री एटी रण 7 H7 C3H7 तमें यहाँ प्रोपाइल ग्रुपटा माइनस हो गला। अच्छा देख लो ये C2H5 टा माइनस कर देख गोटे दिन में पाठ तुम हम ना कि फ्रागमेंटेशन मुझे टी खाली गोटे लिखि सारे तापर कह देख लईटार मसटा के 12 × 24 × 5 के 24 × 5 के
ओ मु टिके भैल्यूटा भूल लिखि देछि रे ओ सॉरी 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 एटा अछि 29 रे एटा अछि तमरो 27 रे मु कहछि कोन गोटे एमति हे गला 35 8.5 गोड फ्रैक्शन पळे आइसल देखिलो एटा मास थिला 72 हला C2H5 माने गोटे इथाइल ग्रुप तमे माइनस करछु ता माने 29 एटा माइनस होछ ना नै ता माने एथिरु गोटे इथाइल कार्बोकैटायन आमे माइनस करले गोटे पिक कोठि पाइबा 29 होची सेमिति सेमिति एथिरु आ गोटे CH3 माइनस करलो CH3 माइनस करले कोन होउची देखो C2 हबो बळिबो कोन H2 हबो तो एटा केते होउची रे अच्छा एटा CH2 माइनस करछि 12 2 14 14 माइनस हेले एटा रहउची C2H3 प्लस तो या मास्टा देखिलो 27 देख केतटा वैल्यू लिखिथिली 1 2 3 4 5 बर्तमान देख फ्रैगमेंट गुडाक जोटा ओरिजिनल थिला सेटा फास्ट देला एठी आउ थरे वैल्यू तक लिखि दउची 72 57 41 29 27 चित्र करके देखेले आहुरी बुझू हला 27 बर्तमान देख 72 टा या जोग आसिला होना ना ए ग्रुप जोग 57 टा या जोग आसिला 41 टा या जोग आसिला 27 टा या जोग आसिला या जोग 29 टा या जोग आसिला ए इथाइल जो हला तो ए गुडा का सब केमिति हेइच टिके फ्रैक देखो जो गुडा को कहिली एटा गोटे ए स्पेसिसटा गोटे हला एठी जो स्पेसिस अछि एटा गोटे ए गुडा का सब एथिरु भांगी की बाहरिच भांगी की बाहरिच जेहेतु भांगी बार अन्य ना होची फ्रैगमेंटेशन तो ए जो गुडा को मिले ए गुडा को भांगीबा प्रोसेस टा को कहंती फ्रैगमेंटेशन हला आ जो आयन गुडा को तयारी हे चंती तांको कहा जाए फ्रैगमेंटेड आयन्स कोन कहा जाए फ्रैगमेंटेड आयन्स बुझेल तो फ्रैगमेंटेशन टा एथिरे केमिति हुए देखौछ देख तुम पाखरे थिला CH3 ओके थिला अच्छा देख एथिरे जेतेबेले इलेक्ट्रॉनटा देली को स्पेसिसटा तयारी हला एटा हला ए जो स्पेसिसटा तयारी हेची एटा बतान देखो गोटे कार्बोकैटायन हे गला एथिरु मु कोन माइनस करले ना CH3 तो एठो CH3 टा पळईले हला बतान देखो से पळईला एठो इलेक्ट्रॉन पेयर नै की पळईला माने ये गोटे इलेक्ट्रॉन रखनेला ये गोटे निजे निजे रो इलेक्ट्रॉन रखनेले इक्वली भांगिला बोंडा हां इक्वली अनइक्वली नो भांगी गला परे CH3 टा पळईला से जे तळे पळईला तम पाखरे केमिति स्पेसिस रहिला एमिति ऊपर गोटे CH3 एठी देखिलो गोटे प्लस चार्ज रहि जबो जोटा प्लस टा एठी थिला सेई कार्बन ऊपर कासिबो काहे कि ना एटा होचे तमरो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होना नाही आमे जानी छे 3 डिग्री कार्बोकैटायन टा मोस्ट स्टेबल बोली देखो यार मास टा केते आसुची ना 57 आमे भाबुथिले 72 टार हाइट टा ग्राफ रे ग्राफ जो आटिक पूर्व रो एठी देखिथिलो ग्राफ रे हाईएस्ट आसीबा कथा एटा किंतु मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के होची 57 तेन करे मोस्ट इंटेंस पिक के दउची C4H9 प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन तो फ्रैगमेंटेशन रो महत्व जानि पारलो
जे से इंटेंसिटी को केमिति एक्सप्लेन करुची जोटा मोस्ट स्टेबल स्पेसीस सेटा ही तुमर दब हाईएस्ट इंटेंस पिक बुझेला ना ही कि जोटा तुमर मॉलिक्यूल देइची सेटा सब बड़े हाईएस्ट हम बोली मास रे कोनोसी ग्यारंटी ना तेणुक तुम आउ टे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िव जे को आयन टाक कौन कहती कहार इंटेंसिटी अधिक हम से विषय कह तो आज एग्जांपलटा को कंप्लीट कर देख तो ये जो आयनटा है यहाँ बर्तमान सी फोर एच नाइन रही एगेन मुझे जो सी एच फोर माइनस करुच्ची तो यहाँ देख यठू सी एच थ्री एठू एच पलैबले मो पाखे एमितिया गोटे स्पेसीस रही सी एच टू एठी डबल बंड सी एठी कौन रहा सी एच थ्री ताने यहाँ कौन है ना ब्राकेट रे बाहर कौन रखी थी प्लस चार्जटा रहा यार फर्मूला कौन है गला सी थ्री एच फाइव प्लस जोटा को आम कहते ये सी थ्री एच फाइव प्लस केतरे आसूची ता पिकटा एम बाई जेड आसूची 41 क्लियर ओके तो बर्तमान आउ गोटे जिनस देख एठू एटा माइनस कली सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू प्लस तमें यही जिनसटा प्लसटा ये आसला मुझे माइनस न करी लिखी दूची सी एच थ्री मान प्रडक्ट सैड्रे से बाहर ला बोली लिखीदेली प्लस देख सपोज यू सी एच थ्री सी एच टू प्लस नेली ताले एठी गोटे एच बळिबनी एचटा आसिक एठी लागिजिवो हला तो तमरो ए स्पेसीसटा कोन हेथिबो रे सी 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 तीनटा सी केतटा एच 6 1 7 सातटा एच हला एटा प्रोपाइल ग्रुपटा हेगला हां तो वर्तमान एठी कार्बोकाटायन किए एटा तो मास रे काहार वैल्यूटा देखेबो यार यहाँ केवल प्रोफाइल ग्रुप रही तार देखेबन से तुम सल्यूशन तार मसटा देखेबन है तेणुक यहीटा जो अच्छी यार मसटा कौन हो 29 रे जो पिकटा आम ये 29 रे सेटा है तो ये देख लास्ट स्टेप आम पहुँचीगले आ केवल गोटे मात्र आयन रहा सेटा हूँ तुमर ईटा 27 वाला आयन यूर देख एच टू माइनस कली एठ गोटे एच ताहले मोर कौन स्पेसीस सी एच टू डबल बंड सी एच एठ गोटे जेहेतु पलि या उपरे को चार्ज थी प्लस तो यार फर्मूला कौन हो जा सी टू एच थ्री प्लस है ना ना सी टू एच थ्री मान के भैल्यू आसूच 27 देख ल सबूत कहलानी 72 57 41 29 27 छटा जाक भैल्यू आ छटा फ्रागमेंट रे तीन टा दुईटा पांचटा फ्रागमेंट रु आमर पांचटा जाक भैल्यू आसी भाया मास एनालिसिस करा जाए एटा को देख नेक्स्ट क्लास रे आमे टाइप्स ऑफ फ्रागमेंटेड आयन पढ़ा ओके थैंक यू।